वालेकुम दोस्तों मैं हूं अयान और आज की इस वीडियो में हम आपको जहर की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे कि किस तरीके से आपको नियत करनी है कौन कौन सी सूरें पढ़नी है और कौन कौन सी दुआ पढ़नी है आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें क्लियर करेंगे तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको दीन से रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी मसला पूछना हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप एस कर सकते हैं हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इससे पहले भी मैं जो है जहर की नमाज से पहले भी फ़जर की नमाज का मुकम्मल तरीका अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हमारी उसमें हम असर मगरिब और रशा की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे तो अगर आपको पांचों वक्त की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा अच्छे तरीके से सीखना है तो आप चैनल में जाकर पांचों वीडियोस को देखकर आप सीख सकते हैं तो इस इस वीडियो में हम आपको जहर की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे तो जहर की नमाज़ में टोटल बारह रकत नमाज होती है जिसमें चार रकत सुन्नत होती है और चार रकत फ़र्ज होते हैं और फिर उसके बाद दो रकत सुन्नत और फिर दो नफिल नमाज तो सबसे पहले हमें चार रकत सुन्नत नमाज पढ़नी होती है तो उसकी नीयत हमें किस तरीके से करना है नीयत की मैंने चार रकत नमाज सुन्नत सुन्नत रसूल की वास्ते अल्लाह वास्तेल्ल्ल वक्त ज़हर का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अकबर ये आपको चार रकत सुन्नत नमाज की नियत करनी है और आपको अल्ला अकबर कहते हुए दोनों हाथ बांध लेने हैं उसके बाद आपको सबसे पहले एक मरतबा सना यानि सुबहानक्ला पूरा पढ़ना है और फिर आपको एक मरतबा सूर फ़ातहा यानिहमदुशरीफ़ की सूर पढ़ना है और फिर आपको एक मरतबा कोई भी सूर्य पढ़ लेनी है जो आपको अच्छे तरीके से याद हो उसके बाद आप रुकू करें सजदा करें और जब आप सजदे के बाद दूसरी रकत में खड़े हों तब आपको सना नहीं पढ़नी है तब आपको सबसे पहले सूर फातिहा एक मरतबा यानी शरीफ की सूर पढ़नी है और फिर एक मरतबा कोई भी सूर पढ़ लेनी है उसके बाद आप फिर रुकू कीजिए सजदा कीजिए और फिर दूसरी रकत में हम दूसरा सजदा करके बैठ जाते हैं तो जो हम बीच में बैठते हैं तो उस बैठने को कायदा कहा जाता है तो कायदे में हमें जो है दूसरी रकत में जब हम कायदे में बैठेंगे तब हमें अतहियात पढ़नी है अतहियात मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ अतःयातल वसला व तैयबात असलामिका अन् नबी वरम वबरक़त असला वाला इबादल साल्हन अशदुआल्ला जब हम कहेंगे तो हमें यह हल्का बनाकर उंगली उठानी होती है सीधे हाथ की तो अशदअाल अशद महमदन अब्दू व रसूलु सिर्फ हमें अतहियात पढ़नी है और हमें तीसरी रकत में खड़े हो जाना है अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकत में हमें खड़े हो जाना है और फिर हमें सबसे पहले एक मरतबा सूर फातिहा यानी तो शरीफ की सूर पढ़नी है और फिर एक मरतबा कोई भी सूर पढ़ लेनी है जो आपको याद हो उसके बाद फिर रुकू करेंगे सजदा करेंगे और फिर जब तीसरी रकत से उठकर चौथी रकत में खड़े होंगे तब हमें फिर से एक मरतबा सूर फातहा यानी अलहमदशरीफ़ की सूर पढ़नी है और फिर एक मरतबा कोई भी सूर पढ़ लेनी है सूर पढ़ने के बाद फिर हम रुकू करेंगे सजदा करेंगे और फिर चार रकत पूरी होने के बाद जब हम कायदे में बैठेंगे तब हमें अतहयात पढ़नी है और फिर दुरुद इब्राहिमी पढ़नी है और उसके बाद दुआ मासूरा पढ़नी है मैं आपको एक बार पढ़ कर भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे अतःयातुल्ला वसलाबातु व तयबातु असलामिका أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى إباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اس کے بعد درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك अला महमदूँ वाला अली कमा बारकता अला इब्राहिमा वालब्राहिमा इनका मजीद इसके बाद दुआ मासूरा अल्ला मबना आतीना फ़िदुनिया हसनत वफ़िल आख़रती हसनत वक़ीना अदाबनार इतना पढ़ने के बाद हमें सलाम फेर देना है अल्लाम व रहमतुल्लाह कहते हुए हमें सीधे मोड़े की तरफ़ देखना है और फिर व रहमतुल्लाह कहते हुए हमें उल्टे मोड़े की तरफ़ देखना है ये चार रकत सुन्नत नमाज मुकम्मल हो गई इसके बाद चार रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़नी होती है तो फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए हमें जो है नियत करनी है सबसे पहले तो नियत किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ नियत आप करें नियत की मैंने चार रकत नमाज फ़र्ज वास्ते ताला के वक्त ज़ोर का मूँ मेरा काबा शरीफ की तरफ़ अल्लाह अकबर ये अल्लाह अकबर कहते हो आपने नियत बांध ली नियत बांधने के बाद आपको इसमें भी पहली रकत में सना यानी सुबह नकल्ला पूरा पढ़ना है और फिर आपको एक मरतबा सूर फातह यानिद शरीफ़ की सूर पढ़ना है और फिर कोई भी एक सूरय पढ़ लेनी है उसके बाद रुकू करना है सजदा करना है और फिर सजदे के बाद जब आप हाँ दूसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको सना नहीं पढ़नी है तब आपको एक मरतबा सूर फातह यानि अलहमदशरीफ़ की सूर पढ़नी है और फिर कोई भी एक सूर पढ़ लेनी है और फिर रुकू करना है सजदा करना है और आपको दूसरी रकत में सजदे के बाद जिस तरीके से सुन्नत में दूसरी रकत में कायदे में बैठे से इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज में भी दो रकत होने के बाद हम कायदे में बैठ जाएंगे और अतहियात पढ़ेंगे मैंने आपको सुन्नत नमाज में पढ़कर बताई थी सेम उसी तरीके से हमें सिर्फ़ अतहियात पढ़नी है और तीसरी रकत में खड़े हो जाना है तीसरी रकत में खड़े होकर हमें सिर्फ़ एक मरतबा सूर फ़ातहा पढ़नी है इसमें हमें सूरय नहीं पढ़नी है सिर्फ़ एक मरतबा सूर फातहा पढ़नी है और कोई भी सूरय नहीं पढ़नी है और फिर रुकू करना है सजदा करना है और फिर सजदे के बाद जब हम चौथी रकत में खड़े होंगे तो चौथी रकत में भी हमें सिर्फ़ सूर फ़ातहा पढ़नी है एक मरतबा यानी अलमद की सूर एक मरतबा पढ़नी है और कोई भी सूरह नहीं पढ़नी है और फिर रुकू करना है सजदा करना है फिर सजदे के बाद जब हम चौथी रकत में कायदे में बैठेंगे तब आपको जो मैंने सुन्नत नमाज में पढ़कर बताया था अतहियात दुरुद इब्राहिमी और दुआ मासूरा यही पढ़कर आपको सलाम फेर देना है ये आपकी चार रकत फ़र्ज नमाज भी मुकम्मल हो गई आप जो है अगर किसी वक्त की भी सुन्नत नमाज़ पढ़ेंगे अगर चार रकत सुन्नत नमाज आप पढ़ रहे हैं किसी भी वक्त की आप असर की पढ़ें या इशा की पढ़ें या फिर जहर की पढ़ें आपको चारों रकत में सूर्य फातिहा के बाद कोई भी एक सूरय मिलानी होती है लेकिन फ़र्ज़ नमाज अगर आप चार रकत नमाज पढ़ रहे हैं किसी भी वक्त तो की तो आपको सिर्फ़ शुरू की दो रकत में सूर्य मिलानी होती है और जो लास्ट की दो रकत होती हैं तीसरी और चौथी रकत उसमें सिर्फ़ सूर फातिहा पढ़नी होती है उसमें कोई भी सूर नहीं मिलानी होती चाहे किसी भी वक्त की नमाज़ हो वो फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ़ यह है सुन्नत नमाज में चारों रकत में सूर्य मिलएँगे ये होने के बाद आपको फिर दो रकत सुन्नत नमाज पढ़नी होती है दो रकत सुन्नत नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ तो आपको सबसे पहले नियत करनी है नियत आपको इस तरीके से करनी है नियत की मैंने दो रकत नमाज सुन्नत सुन्नत रसोल्ला की वास्ते अल्लाह ताली के वक्त जहर का मूँ मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर आपको नीयत बांध लेनी है और फिर आपको सबसे पहले एक मरतबा सूर ए एक मरतबा सना सबसे पहले सना पहली रकत में आप कोई भी नमाज पढ़ें किसी भी वक्त की हो कैसी भी नमाज हो जब आप पहली रकत में नियत बांध कर खड़े होंगे तब आपको सबसे पहले पहली रकत में एक मरतबा सना ज़रूर पढ़नी होती है सुबह नकल्ला एक बार ज़रूर पढ़ना होता है उसके बाद किसी भी रकत में सना नहीं पढ़ी जाती है तो आपको पहली रकत में एक मरतबा सना यानी सुबह नकल्लामा पूरा पढ़ना है और फिर आपको एक मरतबा फातिहा यानी यानि शरीफ की सूर पढ़नी है और फिर कोई भी एक सूर्य मिला देनी है कोई भी एक सूर्य पढ़ देनी है उसके बाद रुकू करना है सजदा करना है और फिर सजदा करने के बाद जब आप दूसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको दूसरी रकत में सना नहीं पढ़नी है दूसरी रकत में आपको एक मरतबा सूर्य फातहा यानिहमद शरीफ की सूर पढ़नी है और फिर कोई भी एक सूर्य पढ़ लेनी है कोई भी एक सूर्य पढ़ने के बाद आपको फिर रुकू करना है सजदा करना है और फिर आपको दूसरी रकत में कायदे में बैठ जाना है कायदे में बैठ कर हमें अतहियात पढ़नी है इब्राहिमी पढ़नी है दुआ माशूरा पढ़नी है ये पढ़कर हमें सलाम फेर देना है क्योंकि ये हमें सिर्फ़ दो रकत नमाज़ पढ़नी थी तो हमने जो है दो रकत में कायदे दो रकत के बाद कायदे में बैठकर हमने अतहियात पढ़ी इब्राहिमी पढ़ी और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर दिया अगर चार रकत नमाज होती तो हम दो रकत के बाद बैठ कर सिर्फ अतहियात पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते लेकिन हमें दो रकत सुन्नत नमाज़ पढ़नी है तो हमें दु... दो रकत के बाद कायदे में बैठ कर अतहियात पढ़नी है दुआ दुरुद इब्राहिमी पढ़नी है दुआ मासूरा पढ़नी है और सलाम फेर देना है तो ये दो रकत सुन्नत नमाज मुकम्मल हो गई इसके बाद दो रकत नफिल नमाज़ बची लास्ट में तो नफिल नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे आपको सेम इसी तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से सुन्नत नमाज़ को अदा किया सेम इसी तरीके से सूर फातिहा जिस तरीके से मैंने बताई पहली रकत में मैंने सना बताई सबसे पहले और दूसरे और उसके बाद सूर्य फातिहा और उसके बाद सूर्य और दूसरी रकत में सबसे पहले सूर फातिहा और फिर उसके बाद कोई सूर्य सेम टू सेम यही तरीका है बस आपको नियत में चेंजिंग करनी है नियत में आपको बता देता हूँ किस तरीके से करनी है तो नफिल नमाज जब आप पढ़ेंगे तो नियत आपको इस तरीके से करनी है नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह के वक्त मौजूदा या फिर वक्त ज़ोर का भी कह सकते हैं या फिर नफिल नमाज में आप वक्त का नाम ना लें तो भी कोई बात नहीं मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए आपको नियत बांध लेनी है और सेम आपको जिस तरीके से आपने सुन्नत नमाज को अदा किया था सेम उसी तरीके से आपको ये भी नफिल नमाज भी अदा करनी है कोई चेंजिंग नहीं है सब कुछ वही पढ़ना है लेकिन बस आपको नीयत में चेंजिंग करनी है जो मैंने आपको बता दी है तो ये आपकी जोहर की नमाज मुकम्मल हो गई उम्मीद है आपको पूरा तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको असर की मगरिब की और रशा की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे तो अगर आपको और नमाज का मुकम्मल तरीका जानना है पूरी नमाज़ पाँचों वक्त की अच्छे तरीके से सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाकर वीडियोज़ को देखें आप नमाज़ सीख जाएँगे है आपको मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की दीनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें